एसआई न्यूज, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में विधानसभा का सत्र नहीं बुलाए जाने और लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश करने के विरुद्ध में कांग्रेसजनों ने भाजपा के केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। इंदौर शहर पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव जी के नेतृत्व में आज भाजपा की केंद्र सरकार के इशारे पर राजस्थान की चुनी हुई मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को साजिश के तहत गिराने की कोशिश एवं कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बाद भी राज्यपाल एवं राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अनुमति भाजपा की केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दबाव में राज्यपाल अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में आज इंदौर में मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र द्वारा धरना दिया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरे देश में राज्य भवनों पर धरना प्रदर्शन देने की निर्देश दिए हैं। यादव ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को साजिश और खरीदी फरोख्त पर लगातार गिराने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के प्रयास मध्य प्रदेश, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य देशों में भाजपा की केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में खरीदी फरोख्त पर दलबल करवा कर श्री कमलनाथ जी की सरकार गिरा चुकी है। अब राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार के पास स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी राज्यपाल भाजपा के दबाव में विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे हैं, जबकि कांग्रेस की राज्य सरकार ने पहले ही 23 जुलाई को राज्यपाल को प्रस्ताव भेज चुके हैं। यादव ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राज में देश को दो कानून देखे हैं, एक कांग्रेस और एक भाजपा के लिए अलग अलग कानून बना रखे हैं। एक मध्य प्रदेश के राज्यपाल देर रात आदेश निकाल कर विधानसभा सत्र बुलाते थे और दूसरा राजस्थान के राज्यपाल से सत्र बुलाने के लिए विधायकों को धरना देना पड़ रहा है। लोकतंत्र में यह पहली बार हुआ है कि सरकार को फ्लोर टेस्ट करने के लिए राजस्थान सरकार को ऐसा करना पड़ा है। भवदीय नितेश भारद्वाज, पूर्व महामंत्री, शहर कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के मीडिया प्रभारी। जिस तरीके से केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर राजस्थान में राज्यपाल पर दबाव डाला जा रहा है, कांग्रेस की सरकार बहुमत में है, विधानसभा सत्र जो है बुलाया नहीं जा रहा है, राज्यपाल पर केंद्र की भाजपा सरकार का पूरा दबाव है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को पूरे समर्थन है, पूरा सरकार जो है कांग्रेस बहुमत में है वहाँ पर, और उसके बावजूद लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। खरोदी करके सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, जिसको जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पूरा नहीं होने देंगे, बहुमत पूरा उनके साथ है। आज उसी को लेकर हमने जो सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया था कि पूरे देश में जो है लोकतंत्र की हत्या के विरोध में और विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने के विरोध में जो है ये धरना हमने आज इंदौर में दिया है। मैं देवेंद्र सिंह यादव, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष, इंदौर, मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र प्रदेश अध्यक्ष। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिए।